Hi everyone, I am Megha. Welcome to my YouTube channel. Guys, I am back with my another video that is on kinship. If you haven't watched my last video, then guys, go and watch and let me know about your feedback in the comment section. So, let's get started our next topic, that is kinship. Chaliye, meaning of kinship. Dekhenge kya hota hai. Man does not live alone in society from birth till that he is surrounded by a number of people. Some of these people are his relative, some are friends and some are neighbor, and while all others are strangers and unknown to him. Kinship ka matlab hota hai jo bhi bond ब्लड पे या मैरिज पे बेस्ड होते हैं उसे हम किनशिप बोलते हैं. ठीक है, किनशिप को हिंदी में नातेदारी बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि कभी भी इंसान अकेला नहीं रहता सोसाइटी में. उसके बर्थ से लेकर डेथ तक वो बहुत सारे लोगों के बीच में रहता है. तो कुछ लोग उसके उसमें से रिलेटिव होते हैं, कुछ उसके फ्रेंड्स होते हैं, कुछ नेबर्स में आते हैं और कुछ उसके लिए स्ट्रेंजर्स और अननोन भी होते हैं. सो ही इज बाउंड टू ऑल दोज पीपल हु आर रिलेटेड टू हिम आइदर ऑन द बेस ऑफ ब्लड और मैरिज. और वो ऐसे लोगों के बीच में जो रह रहा है वो किसी उन लोगों से किसी ना किसी रिलेशन से बंधा हुआ है. या तो वो रिलेशन ब्लड से रिलेटेड है या मैरिज से रिलेटेड है, उसे हम किनशिप बोलते हैं. द रिलेशन बेस्ड ऑन ब्लड और मैरिज मे बी क्लोज और डिस्टेंट. द बॉन्ड ऑफ ब्लड और मैरिज विच बाइंड पीपल टूगेदर इन अ ग्रुप इज कॉल्ड किनशिप. जो रिलेशन ब्लड और मैरिज पे बेस्ड है वो क्लोज भी हो सकते हैं, दूर वाला रिलेशन भी हो सकते हैं, यानी डिस्टेंस वाले रिलेशन भी हो सकते हैं. लेकिन जो बॉन्ड ब्लड पे और मैरिज पे बेस्ड होता है और लोगों को बांध के रखता है, बाइंड्स टुगेदर बांध के रखता है, उसे हम किनशिप बोलते हैं. ठीक है, आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ किनशिप. किनशिप इज ऑफ टू टाइप. किनशिप के दो टाइप्स है. फर्स्ट इज एफिनल किनशिप एंड सेकेंड इज कॉन्सिग्वेनियस किनशिप. दोनों को डिटेल में जानेंगे. चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है. उससे पहले मैं एक बार ये इरेज कर देती हूँ. चलिए चलते हैं आगे. चलिए अब हम जानेंगे कि एफिनल किनशिप क्या होता है. द बॉन्ड ऑफ मैरिज इज कॉल्ड एफिनल किनशिप. सबसे पहले तो आप बेसिक डिफरेंस याद रखिए कि एफिनल किनशिप क्या होता है और कॉन्सिग्वेनियस क्या होता है. ठीक है, एफिनल किनशिप वो होता है जो रिलेशन मैरिज पे बेस्ड होते हैं उसे हम एफिनल किनशिप बोलते हैं, और जो रिलेशन ब्लड पे बेस्ड होते हैं उसे हम कॉन्सिग्वेनियस किनशिप बोलते हैं. When a person marries, he establishes relationship not only with the girl whom he marries, but also with the number of the other peoples in the girl family. जो लड़का लड़की से शादी कर रहा है तो वो सिर्फ उसके साथ ही रिलेशन नहीं बना रहा है, बल्कि उसकी पूरी होल फैमिली के साथ उसका एक रिलेशन जुड़ने वाला है. Then, moreover, it is not only the person marrying who get bound to the family member. अगर लड़का शादी कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली बॉय ही रिस्पॉन्सिबल है और या फिर उसकी या लड़का ही बाउंड है उसकी फैमिली मेंबर्स को लेके, बल्कि उसकी होल फैमिली. बट हिज फैमिली मेंबर ऑल्सो गेट बाउंड टू दी फैमिली मेंबर्स ऑफ द गर्ल. बल्कि उसकी जो बॉय की जो फैमिली है वो फुली रिस्पॉन्सिबल है, फुली बाउंड है लड़की को फैमिली को लेके. ये नहीं है कि लड़के ने शादी की है तो सिर्फ लड़का अकेला ही उस फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि लड़के की पूरी फैमिली लड़की की फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबल है और बाउंड है. यानी दोनों के बीच में, यानी दोनों फैमिलीज के बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है. तो बोल सकते हो आप इक्वली सब लोग ही रिस्पॉन्सिबल और बाउंड रहते हैं. Then, thus a host of relation are created as soon as the marriage take place. तभी तो जब सब लोग ही responsible हैं, ठीक है, तभी तो सब लोगों के बीच में बहुत सारे relation create होते हैं marriage के होते ही. जैसे for example, after marriage a person become not only a husband. जब शादी हो जाती है तो वो नहीं एक सिर्फ ये वाला रिलेशन नहीं है कि वो एक हस्बैंड ही है, बट ही ऑल्सो बिकम ब्रदर इन लॉ एंड सन इन लॉ. ये तो आप सभी को पता होगा कि जैसी लड़की की शादी हो गई तो वो सिर्फ एक हस्बैंड का रोल ही प्ले नहीं कर रहा है, बल्कि रोल प्ले इन द सेंस ये कि वो सिर्फ हस्बैंड ही नहीं है, उसके दूसरे रिलेशन भी हैं. जैसे वो उनके लिए गर्ल्स वाली फैमिली के लिए ब्रदर इन लॉ एंड सन इन लॉ भी है. Thus, the same term brother-in-law is used for. और brother-in-law को हम हिंदी में same term को हम और भी किस नाम से बोलते हैं, बहनोई, साला, जीजा एंड साड़ू. ठीक है, ऑन मैरिज अ पर्सन ऑल्सो बिकम फूफा, नंदोई एंड मौसा. मैरिज के बाद ये वाला रिलेशन भी क्रिएट होते हैं, ठीक है, जिनको हम फूफा, नंदोई और मौसा भी बोलते हैं.
Likewise, a girl on marriage become not only a wife but also become a daughter-in-law. अब जैसे लड़के के लिए जो चीज बोली गई थी वो सेम अप्लाई लड़की के लिए भी होती है कि जब उसकी शादी हो जाती है तो वो सिर्फ वाइफ का ही जिसको वो सिर्फ वाइफ ही नहीं है, ठीक है, मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ है लेकिन बाकी लोगों के लिए वो दूसरे रोल प्ले कर रही है, दैट इज दैट बिकम डॉटर इन लॉ है. शी ऑल्सो बिकम चाची, भाभी, देवरानी, जिठानी, मामी, ये सब आपने जो नेम्स हैं वो सब सुने हुए होंगे कि वो इन सब रोल भी प्ले करती है. मतलब उस फैमिली में जब वो गई है तो वो किसी की भाभी है, किसी के लिए वो चाची है, किसी के लिए वो जिठानी है, ठीक है. ऐसे डज मैरिज क्रिएट अ होस्ट ऑफ रिलेशनशिप विच आर कॉल्ड एफिनल किनशिप. और ये मैरिज के थ्रू जो भी रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, यानी जो भी रिलेशन मैरिज के थ्रू बनता है, यानी जो बॉन्ड या आप बोल सकते हैं द रिलेशन विच इज बेस्ड ऑन मैरिज, उससे हम एफिनल किनशिप बोलते हैं. जो भी रिलेशन मैरिज के थ्रू बनते हैं या मैरिज पे बेस्ड हैं उसे हम एफिनल किनशिप बोलते हैं. आई होप आपको ये एफिनल किनशिप में अब कोई भी डाउट नहीं होगा. इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंस किनशिप क्या होता है, जो इससे बिल्कुल अपोजिट है वो हम देखेंगे कि क्या होता है. चलिए आगे चलते हैं. पहले वाले में हमने डिस्कस किया कि एफिनल क्या होता है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेनियस क्या होता है. द बॉन्ड ऑफ ब्लड इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेनियस किनशिप. वो जो था वो बॉन्ड ऑफ मैरिज था जिसको हमने एफिनल किनशिप बोला था, ठीक है. और ये जो बॉन्ड ऑफ ब्लड है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेनियस किनशिप बोलते हैं, ठीक है. बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि एफिनल और कॉन्सिक्वेंस में वो डिफरेंस भूल जाते हैं. तो एक सिंपल तरीका है जिससे मैं याद रखती हूँ, वैसे आप भी याद रख सकते हैं. जो भी बॉन्ड ब्लड पे बेस्ड है उन्हें हम कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं और जो बॉन्ड मैरिज पे बेस्ड है वो एफिनल बोलते हैं. अब जिनको चीज़ें याद रहती हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ जिनको चीज़ें याद नहीं होती हैं उनके लिए एक सिंपल तरीका ये है कि बी से आता है ब्लड और सी है, सी से है कॉन्सिक्वेंस, तो बी के बाद सी आता है, ठीक है. तो आप उससे याद रख सकते हैं कि जो बॉन्ड ब्लड पे बेस्ड है उसे हम कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं. ये तो आपको याद रहेगा ना कि बी के बाद सी आता है, तो इससे हम इजी तरीके से याद रख सकते हैं कि जो बॉन्ड ब्लड पे बेस्ड है वो कॉन्सिक्वेंस है और जो बॉन्ड मैरिज पे बेस्ड है वो एफिनल है. थोड़ा सा ट्रिक से आप याद रखेंगे ना तो चीजें आपको बड़ी जल्दी याद रहती है, ठीक है. तो बी के बाद सी आता है तो ब्लड वाला जो रिलेशन है, ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस किनशिप बोल सकते हैं. चलिए आगे चलते हैं. द कॉन्सिक्वेंस किन आर रिलेटेड थ्रू ब्लड. ये ब्लड से रिलेटेड है. वेयर द एफिनल किन आर रिलेटेड थ्रू मैरिज. ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो रिलेशन मैरिज पे बेस्ड होते हैं उसे हम एफिनल बोलते हैं. द बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन एंड बिटवीन सिबलिंग इज कॉन्सिक्वेंस किनशिप. जो बॉन्ड आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में है और आपके सिबलिंग्स के बीच में है, ठीक है, उसे हम कॉन्सिक्वेंस किनशिप बोलते हैं, ठीक है. यानी वो कॉन्सिक्वेंस किनशिप का एग्जाम्पल है बिकॉज सिबलिंग्स आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स. जो भी आपके भाई बहन है दे आर द चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, इसे हम उसके हमको बोलते हैं कि सिबलिंग्स भी कॉन्सिक्वेंस किनशिप में ही आते हैं. देन द सन, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, जिसको हम बोलते हैं चाचा, एल्डर अंकल, ताऊ, नेफ्यू एंड कजिन्स आर द कॉन्सिक्वेंस किन दैट इज रिलेटेड थ्रू द ब्लड. आपने ये सारे रिलेशन जो मैंने अभी बोले वो आपको पता है कि ये सारे हमारे ब्लड से जुड़े हुए हैं, यानी ब्लड से रिलेटेड हैं, इसलिए हम इसको कॉन्सिक्वेंस किन बोलते हैं. यानी ये कॉन्सिक्वेंस किन के एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल. आगे चलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नियरनेस एंड डिस्टेंट रिलेशनशिप किन कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप. अब इनको थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है. देन फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी. इन तीनों को डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है. आई होप आपको एफिनल और कॉन्सिक्वेंस किनशिप में कुछ भी दिक्कत नहीं हो. बड़ा सिंपल सा है, बस चीजें दिमाग में रखनी है, बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को, ठीक है. अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है इसको डिटेल में जानते हैं. चलिए आगे चलते हैं. चलिए अब हम देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी किन क्या होता है, ठीक है. एक मैंने लाइन मिस कर दी शायद पहली वाली स्लाइड में, उसमें ये बोला गया था कि जो
इन लोगों ने ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को कैसे डिवाइड किया, जो रिलेशन आपके क्लोज रिलेशन है और जो दूर के रिलेशन है उनके ऊपर इन लोगों ने थ्री टाइप्स के केंद्र बना दिए। इनको हमने मतलब थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में, ठीक है। इनको हम देखेंगे कि क्या होते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया प्राइमरी किन। प्राइमरी किन का मतलब होता है द पर्सन हु आर डायरेक्टली एंड फिजिकली क्लोज टू वन अदर आर कॉल्ड प्राइमरी किन। जो रिलेशन आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, ठीक है, और ये हर एक फैमिली में पाए जाते हैं ये रिलेशन, उसे हम प्राइमरी किन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एस सी दुबे देर आर एट सच रिलेशन। जो अकॉर्डिंग हम एस सी दुबे के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये एट टाइप के रिलेशन होते हैं, जैसे दे इंक्लूड हस्बैंड वाइफ, ठीक है, जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है, फादर और सन, फादर और सन के बीच में, यानी पापा और बेटे के बीच में जो रिलेशन होता है, फादर डॉटर, मदर सन, यंगर एल्डर सिस्टर, यंगर एल्डर ब्रदर एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर, इनके बीच में जो भी रिलेशन होता है वो किस में आता है, प्राइमरी किन्स में आता है। तो प्राइमरी किन्स जो है वो आपके एट टाइप्स के हैं, जिनसे आप बहुत ज्यादा, आपका जो रिलेशनशिप होता है वो क्लोज वाला होता है, ठीक है, आप फिजिकली और डायरेक्टली क्लोज होते हैं उसे हम प्राइमरी किन होते हैं, और ये एट टाइप के होते हैं। फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी किन की। द सेकेंडरी किन आर दोज हु आर रिलेटेड थ्रू प्राइमरी किन। ये प्राइमरी किन के थ्रू ही रिलेट होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, आउटसाइड द न्यूक्लियर फैमिली द इंडिविजुअल हैव 33 काइंड ऑफ सेकेंडरी रिलेटेड। अब यहाँ पे थी न्यूक्लियर फैमिली की बात, जिसमें थे हमारे एट टाइप के प्राइमरी किन, ठीक है। अब न्यूक्लियर फैमिली की बात हमने कर ली, अब आउटसाइड द न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली के बाहर हमारे 33 टाइप्स के सेकेंडरी रिलेटिव होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, पर्सन सच एज फादर्स फादर, यानी जो आपके पापा हैं उनके पापा, यानी आपके दादाजी बोल सकते हो, यानी ग्रैंडफादर, मदर्स फादर, ठीक है, जो इनको आप नाना जी बोलते हैं वो, देन ब्रदर डॉटर, आपकी जो आपका जो भाई है उसकी बेटी, फादर सिस्टर, जो आपके पापा हैं उनकी सिस्टर यानी बुआ, और सिस्टर हस्बैंड, जो आपकी सिस्टर है उसके हस्बैंड को, वो कौन से रिलेशन में आ जाएंगे, यानी हम कौन से किन में आ जाएंगे, सेकेंडरी किन में आ जाएंगे, यानी न्यूक्लियर फैमिली, यानी हमारी फैमिली के बाहर वाले जो रिलेशन है आउटसाइड द न्यूक्लियर फैमिली वो है सेकेंडरी किन में आते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं, 33 टाइप के होते हैं। आपको ये नंबर बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी किन कितने टाइप के होते हैं, सेकेंडरी कितने के होते हैं, और टर्शरी कितने के होते हैं, तो नेम्स आपको ध्यान रखने हैं। देन हम बात करेंगे टर्शरी किन की। टर्शरी किन रिफर्स टू सेकेंडरी किन ऑफ अवर प्राइमरी किन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एक बार उसको अच्छे से समझ लो। टर्शरी किन किसको रेफर करते हैं, सेकेंडरी किन ऑफ अ प्राइमरी किन। अब ये लाइन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि टर्शरी किन कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, वाइफ ब्रदर सन। अब ये जो वाइफ वाला रिलेशन है वो किस में देखा था हमने, इधर प्राइमरी में देखा था, ठीक है। उसका जो ब्रदर है, ठीक है, वो हमने किस में देखा था, किसी इस बोला था ना मैंने कि जैसे सिस्टर हस्बैंड या फिर वाइस ब्रदर, ये किस में आता है, सेकेंडरी किन में आता है, ठीक है। तो उसका जो सन है वो किस में आ जाएगा, टर्शरी में आ जाएगा, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी में आया और फिर वो टर्शरी बना। समझ आया आपको, प्राइमरी से सेकेंडरी और फिर टर्शरी बना, ठीक है। प्राइमरी से रिलेटेड हुआ, फिर सेकेंडरी में आके वो टर्शरी किन बन गया। कैसे, वाइफ हमारी प्राइमरी किन है, ब्रदर हमारा सेकेंडरी किन में आ गया, और उसका भी सन यानी आपकी वाइफ है उसके जो उसका जो भाई है, ठीक है, यानी आपकी जो वाइफ है उसका जो ब्रदर है उसका भी बेटे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टर्शरी किन में आ गया। फिर हम बात करेंगे सिस्टर हस्बैंड ब्रदर। अब सिस्टर किस में आती है, प्राइमरी किन में आती है, हस्बैंड सिस्टर का जो हस्बैंड है वो किस में आएगा, सेकेंडरी किन में आएगा, ये देखो ये रहा सिस्टर हस्बैंड, और सिस्टर हस्बैंड ब्रदर, सिस्टर यानी आप बोल सकते हैं कि पहले प्राइमरी किन से सेकेंडरी किन बने और फिर वो टर्शरी बने, ठीक है, यानी प्राइमरी से पहले वो सेकेंडरी बने फिर वो टर्शरी बन के इसमें आए, ठीक है। सिस्टर हस्बैंड, सिस्टर वाली चीज हमने यहाँ पढ़ी थी, ठीक है, सिस्टर हस्बैंड उसका जो हस्बैंड है वो किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा, यानी ये सेकेंडरी से टर्शरी में बने हैं, उसे हम बोलते हैं टर्शरी किन, यानी वो मतलब ये दोनों से रिलेटेड है। देखो टर्शरी किन रिफर्स टू सेकेंडरी किन, सेकेंडरी किन को रिफर करते हैं, लेकिन ये कैसे बन के आए, प्राइमरी किन के थ्रू बन के आए, ठीक है। जैसे वाइफ ब्रदर सन, ठीक है, वाइफ का
जो भाई है उसका बेटा, सिस्टर हस्बैंड ब्रदर, सिस्टर का जो हस्बैंड है, आपकी सिस्टर है उसका जो हस्बैंड है उसका भाई, वो किस में आ जाएगा? टर्शरी में आ जाएगा, थोड़ा दूर वाला रिलेशन हो गया ना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव स्पोकन ऑफ 151 टर्शरी किन, और इनको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? 151 टाइप के आपको टर्शरी किन देखने को मिलते हैं, यानी जो हमारे बहुत दूर के रिलेटिव आप बोल सकते हो उसे हम टर्शरी किन में काउंट करते हैं। तो कैसे याद रखना है, जो प्राइमरी किन है वो तो बहुत क्लोज है यानी बहुत पास वाले, फिर उनसे थोड़े से दूर वाले आ गए हमारे सेकेंडरी में, और बहुत दूर वाले आ गए हमारे टर्शरी में। बहुत इजी था, बस दिमाग में चीज़ें रखोगे तो याद रहेंगी, और इनके एग्जांपल्स याद रखना। मेरे को मालूम है प्राइमरी और सेकेंडरी में कन्फ्यूजन नहीं होता है क्योंकि एज अ रिलेशन हम सुनते रहते हैं, लेकिन टर्शरी में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, तो इसके एग्जांपल्स आपको याद रखना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेकेंडरी किन से ही बने हैं, ठीक है, लेकिन ये बने कैसे हैं? प्राइमरी किन के थ्रू बने हैं, बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यही था आपका, बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजनेस या डिस्टेंस रिलेशनशिप को इन लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को। बस इनको आपको नॉर्मल, मैंने आपको जो सिंपल लैंग्वेज में बताया वो आपको ध्यान रखना, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको याद रखना है और लिख देना है। और बस इनके, मेरे को यही बोलूँगी मैं आपको, इनके नंबर्स याद रखना कि जो हमारे प्राइमरी हैं वो 8 टाइप के हैं, सेकेंडरी हमारे 33 टाइप के हैं, और जो उससे टर्शरी हैं वो हमारे 151 टाइप के हैं। ओके, यही था आज का किनशिप का। और हाँ, मैं इस पर एक और भी वीडियो बनाऊंगी, अभी तो जस्ट मैंने इसमें मीनिंग और टाइप्स ही समझाया है, एक और जो वीडियो आएगा उसमें जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया है किनशिप का वो मैं डिस्कस करूंगी। तो अभी इस वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा जाता है तो फिर थोड़ा, जब उनको लगता है ना कि इतना लंबा वीडियो देखने में थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा छोटा ही बनाया। ओके, चलो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So guys, this is all about kinship. If you like my video, then do like, share and subscribe, and don't forget to give your precious feedback in the comment section. And if you want PDF of these slides, then do follow me on Telegram channel, that is Sociology with Megha. और आपको जो भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाए, और जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो। और बाकी तब तक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।